हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हमारे पास रेडमी नोट 10 फ़ोन आया है, वो कम्प्लीटली डेट कंडीशन में है। तो अदर शॉप से मेरे पास ये फ़ोन आया है, तो काफ़ी कुछ काम इस फ़ोन में हो चुका है, उसका पावर सेक्शन सब काम किया हुआ है। तो यहाँ से हम चार्जिंग पे फ्रेंड्स लगाते हैं तो चार्जिंग पे इसका कोई भी रिस्पॉन्स नहीं है, डीसी मशीन में भी इसका कोई रिस्पॉन्स नहीं है। तो चार्जिंग में हमने लगाया तो यहाँ पर 00 शो हो रहा है। तो आज हम इसमें देखेंगे कि इसमें क्या काम हुआ है और हम इसको ठीक करने की पूरी कोशिश करेंगे फ्रेंड्स। तो बने रहिए हमारे वीडियो के साथ। अगर आप हमारे चैनल में पहली बार हो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो यहाँ से आप देख सकते हो पूरा पावर सेक्शन में इसका शील्ड वगैरह सब निकला हुआ है, सीपीयू यूएफएस की तरफ काम नहीं किया हुआ है, पावर सेक्शन चार्जिंग सेक्शन सब जगह पर इसमें काम हो चुका है और अभी यहाँ पर इसका कोई भी रिस्पॉन्स नहीं है। नो डीसी में रिस्पॉन्स है, नो पावर में रिस्पॉन्स है, नो पीसी में रिस्पॉन्स है। तो चलिए अभी हम इसको स्टेप बाय स्टेप चेक करेंगे कि कहाँ से इसका ये इश्यू है। तो यहाँ से एक बार हम इसको कनेक्ट करते हैं और यहाँ से मदरबोर्ड को फ्रेम के साथ कनेक्ट करते हैं और इसको देखेंगे। उससे पहले आप यहाँ पे देख सकते हो बोर्ड का कंडीशन क्या है क्या नहीं है, पावर आईसी वगैरह सब चेंज किया हुआ मेरे को लग रहा है, आप इसका वगैरह सब देख सकते हो, थोड़ा बहुत सिल्वर निकल चुका है। तो चलिए कोई दिक्कत नहीं, अभी हम इसको देखेंगे क्या इश्यू है और हमारे से फ़ोन ठीक होता है या नहीं होता है, हम ठीक करने की पूरी कोशिश करते हैं। तो चलिए यहाँ से फ़ोन को फ्रेम के साथ कनेक्ट करते हैं और यहाँ से मैं आपको मल्टीमीटर भी शो कर दूंगा। तो हम डायरेक्टली चेक करते हैं कि इसमें वोल्टेज का क्या सीन है क्या नहीं है। तो चलिए यहाँ से एक बार हम इसको चार्जिंग पर लगाते और वोल्टेज वगैरह चेक करते हैं, वीपीएच वगैरह सब बन रहा है या नहीं बन रहा है, क्योंकि यहाँ से हम चार्जिंग पे लगाते हैं तो चार्जिंग पे कोई भी सीन नहीं है, कोई भी हमारा वोल्टेज शो नहीं हो रहा है, कितना एम्पीयर ले रहा है कोई भी रिस्पॉन्स नहीं हो रहा है। तो यहाँ से 3 वोल्टेज के करीब हमारी सप्लाई बन रहा है वीपीएच। तो यहाँ से अभी एक बार बक एलडीओ चेक करते हैं, तो बक सप्लाई पर यहाँ से आप देख सकते हो 0.8 की जो सप्लाई फ्रेंड्स यहाँ से फ्लक्चुएशन हो रहा है आप देख सकते हो, लेकिन यहाँ से एक बार फिर से देखा तो 1.3 यहाँ से भी इसकी सप्लाई आ रहा है, लेकिन फ्लक्चुएशन हो रहा है, फ्लक्चुएशन फ्रेंड्स हमारा नहीं होना चाहिए। 3 वोल्टेज भी यहाँ से ये जो हमारा वीपीएच है वो स्टेबल है और ये जो हमारा एलडीओ है यहाँ पे इसकी सप्लाई चेक करें तो फ्रेंड्स एकदम 0-0 आ रहा है। तो यहाँ पर एक बार हम इसका जीआर चेक करते हैं फ्रेंड्स कि मल्टीमीटर हम बीप मोड में करेंगे, पहले एक बार यहाँ पे वोल्टेज चेक कर लेते हैं, कोई भी यहाँ पे वोल्टेज आ रहा है लेकिन फ्लक्चुएशन हो रहा है, आप देख सकते हो यहाँ से वीपीएच भी हमारा फ्लक्चुएशन हो रहा है। अगर फ्लक्चुएशन हो रहा है मतलब कहीं ना कहीं शॉर्टिंग का इश्यू है हमारे इस फ़ोन में। तो चलिए कोई बात नहीं, यहाँ से एक बार हम मल्टीमीटर को बीप मोड में रखते हैं और यहाँ से चार्जिंग को डिसकनेक्ट करते और यहाँ से एक बार हम इसका सप्लाई को चेक करते। तो फ्रेंड्स यहाँ से आप देख सकते हो हमारा बक सप्लाई है वो यहाँ से अभी शॉर्ट शो हो रहा है। तो यहाँ पे भी हमारा फुल शॉर्ट आ रहा है, यहाँ पे इसका शॉर्टिंग चेक करें तो फ्रेंड्स यहाँ पे इसका जीआर आ रहा है लेकिन ये जो लाइन है फ्रेंड्स पूरा फुल शॉर्ट आ रहा है। तो यहाँ से आप देख सकते हो हमारी सप्लाई जो भी है वो एकदम 0-0 की शॉर्टिंग आ रहा है, ये शॉर्टिंग फ्रेंड्स हमारा 0-0 नहीं आना चाहिए। तो एक बार हम इसको बीट मैप में चेक करते हैं कि इसकी जो सप्लाई है वो कहाँ पर जा रहा है। तो यहाँ से एक बार हम बीट मैप को ओपन करते हैं तो देख सकते हो यहाँ से थोड़ा मैं जूम करता हूँ, हमारा ये जो कोयल से यहाँ से इसकी एक सप्लाई है, इसका दूसरा सिरा को चेक करते हैं तो यहाँ से जो हमारा सभी कैपेसिटर शॉर्ट शो हो रहा था वो डायरेक्टली फ्रेंड्स हमारा कहाँ पे जा रहा है, हमारा सीपीयू पे इसकी सप्लाई जा रही है। तो हमें पता ही है कि इसका सीपीयू का दिक्कत हो सकता है। तो चलिए सबसे पहले फ्रेंड्स यहाँ से हम इस सीपीयू को रिमूव करेंगे, उसके बाद देखेंगे फ्रेंड्स कि हमारा जो शॉर्टिंग है या नहीं है वो देखेंगे। तो चलिए यहाँ से ये जो हमारी लाइन शॉर्ट आ रही थी वो शॉर्टिंग आपने देख लिया, तो चलिए हम सीपीयू पूरी प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं। Thank you.
फ्रेंड्स हमने यहाँ से इसको क्लीनिंग कर दिया है, तो यहाँ से अभी एक बार हम चेक करेंगे कि जो हमारा शॉर्टिंग आ रहा था वो भी शॉर्टिंग है या निकल चुका है। तो यहाँ से एक बार हम मल्टीमीटर आपके सामने शो कर देते हैं, तो देख सकते हो यहाँ फ्रेंड्स यहाँ पे अभी इसका GR कम्प्लीटली आ रहा है। तो यह भी लाइन हमारी शॉर्ट आ रही थी, इसको भी हम चेक करते हैं फ्रेंड्स। तो यहाँ से भी इसका GR अभी कम्प्लीटली शो हो रहा है। तो मतलब कि फ्रेंड्स अभी हम यहाँ से इसका CPU की प्रोसेस को आगे बढ़ाते हैं और फिर भी हम आपको आगे बताते रहेंगे, तो बने रहिए फ्रेंड्स वीडियो के साथ। फाइनली फ्रेंड्स यहाँ से अभी एक बार हम इस CPU को कम्प्लीटली इंस्टॉल कर दें, तो इसको अच्छे से हम हीटअप करेंगे और इसको हल्के से CPU को मूवमेंट करवाएंगे। तो यहाँ से आप देख सकते हो फ्रेंड्स हमारा CPU कम्प्लीटली इंस्टॉल हो चुका है। तो इसको थोड़ा कूल होने देते हैं, उसके बाद देखेंगे फ्रेंड्स कि हमारा जो प्रॉब्लम था डेट कंडीशन वो सॉल्व हुआ या फिर अदरवाइज कोई और इश्यू है। तो यहाँ से फ्रेंड्स इसको अच्छे से जो भी पेस्ट हमारा लगा है पेस्ट को हम अच्छे से इसको क्लीनिंग करेंगे, उसके बाद देखेंगे। तो यहाँ से फ्रेंड्स आप देख सकते हो यहाँ से हमारा बोर्ड कम्प्लीटली हो चुका है सही। और फ्रेंड्स अभी भी यहाँ से हमारा कोई भी रिस्पांस नहीं है, चार्जिंग लगाने पे हमारा 0 का 0 ही है फ्रेंड्स, मतलब कि कोई भी रिस्पांस नहीं है। नो DC में रिस्पांस है, नो पावर में रिस्पांस है, नो PC में रिस्पांस है। तो यहाँ से फ्रेंड्स हमारा जो सप्लाई शॉर्ट आ रहा था वो शॉर्टिंग तो फ्रेंड्स निकल गया CPU लगाने के बाद, लेकिन चार्जिंग पे इसका कोई भी रिस्पांस नहीं है। और यहाँ पे इसका GR चेक करते हैं, जो पहले हमारी लाइन शॉर्ट आ रहा था वो शॉर्टिंग निकल चुका है, फिर भी हमारा फ़ोन अभी ऑन नहीं हुआ है। तो यहाँ से एक बार हम चार्जिंग को कनेक्ट करते हैं और फिर से यहाँ से हमारा सप्लाई को चेक करते हैं, हमारी जो वोल्टेज बन रहा है या फिर फ्लक्चुएशन हो रहा है। तो यहाँ से एक बार हम देखेंगे, तो फ्रेंड्स ये भी हमारी जो सप्लाई शॉर्टिंग आ रही थी वहाँ पे शॉर्टिंग तो निकल चुका है लेकिन वोल्टेज हमारा स्टेबल नहीं है, फ्लक्चुएशन हो रहा है। अब देख सकते हो यहाँ पे वोल्टेज अभी हमारा फ्लक्चुएशन हो रहा है। तो अभी इसका मतलब यही हुआ कि पहले किसी भाई ने यहाँ पे पावर AC पे काम किया हुआ था, तो पावर AC भी ख़राब हो सकता है या फिर पावर AC का बोल्स अंदर से जुड़ गया होगा, ऐसा भी प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि चार्जिंग लगाने पे फ्रेंड्स हमारा कोई भी रिस्पॉन्स नहीं है इसके कारण। तो चलिए हम दोनों पावर AC को रिप्लेस करते हैं, उसके बाद आगे आपको प्रोसेस बताएंगे। Thank you.
फ्रेंड्स हमने इसका दोनों पावर आईसी को रिप्लेस किया, रिबॉल नहीं किया, और यहाँ से हमारा पावर सेक्शन कम्प्लीटली ठीक हो चुका है। तो यहाँ से हम चार्जिंग लगाने पे फ्रेंड्स यहाँ पे देख सकते हो 0.1 स्टक है, मतलब कि फ्रेंड्स अभी हमें UFS को भी रिबॉल कंपलसरी करना पड़ेगा, UFS का इसका दिक्कत है। तो देखा फ्रेंड्स यही होता है, बहुत ही छेड़ा हुआ काम हमारे पास आता है तो कितना काम करना पड़ता है, बहुत ही मेहनत लगता है। तो वही मैं बोलता हूँ आपको कि जिस भाई को ज़्यादा पता नहीं है तो ऐसे डायरेक्टली कोई भी सील निकाल के इतना छेड़छाड़ी मत किया करो, क्योंकि बहुत ही टाइम लग जाता है इसको रिपेयर करने में। तो चलिए फ्रेंड्स यहाँ से इसका प्रोसेस को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं और बने रहिए फ्रेंड्स हमारे वीडियो के साथ। फाइनली फ्रेंड्स यहाँ से हमने CPU को रिबॉल कर दिया, UFS को रिबॉल कर दिया, दोनों पावर IC को रिप्लेस कर दिया। और फ्रेंड्स अभी हम इसको चेक करते हैं फ्रेंड्स यहाँ से फ़ोन हमारा ठीक हुआ या फिर अदरवाइज़ कोई और इश्यू है, क्योंकि पूरे बोर्ड पे अच्छे से हीट लगाया हुआ था। अदर शॉप से मेरे पास ये फ़ोन आया, उस बंदे ने इस पर हीट मारा हुआ था, तो मैंने सोचा चलिए इस पर एक वीडियो बनाते हैं ताकि वो भी वीडियो देखे तो उसको भी पता चले कि आइडिया नॉलेज ना हो तो इस तरीके से सील्ड वगैरह निकालना नहीं चाहिए डायरेक्टली। तो चलिए यहाँ से एक बार हम पावर की को प्रेस करते हैं तो देख सकते हो फ्रेंड्स अभी यहाँ से रेडमी लिखा हुआ आ चुका है। तो फ्रेंड्स 5 घंटा इस फ़ोन में लगा है इसको बनाने में, तो काफ़ी टाइम लग चुका था। और वीडियो आप देख सकते हो 17 मिनट और 25-30 सेकंड हो चुका, लेकिन ये जो फॉल्ट फाइंड करने में बहुत टाइम लगता है। वीडियो में मैंने दिखाया कि हमने पावर निकाला वो निकाला, लेकिन जो उसका लाइन देखना स्केमेटिक देखना उसमें टाइम लग जाता है फ्रेंड्स। तो बने रहिए वीडियो के साथ, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना फ्रेंड्स, क्योंकि हम आपको ऐसी वीडियो लाने की पूरी कोशिश करते हैं। अगर वीडियो पे अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिलता है तो नेक्स्ट वीडियो बनाने में थोड़ा मेरे को भी मूड नहीं हो रहा है इसकी वजह से। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। तो यहाँ से फ्रेंड्स सेकंड लोगो आ चुका है, तो इसको हम कम्प्लीटली ऑन होने देते हैं और एक बार देखते हैं। तो बने रहिए फ्रेंड्स वीडियो के साथ। अगर आप हमारे चैनल में पहली बार हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि हम ऐसी वीडियो आपके डेली लाने की पूरी कोशिश करते हैं।
तो सेकंड लोगों में फ्रेंड्स हमने इसका माइक्रोन का यूएफएस है, तो 90% तो हमें इसको बाद में फॉर्मेट लगाना ही पड़ेगा क्योंकि ये बहुत ही हैंगिंग होगा फ़ोन, तो हमें कंपलसरी इसको फॉर्मेट करना है फ्रेंड्स। अगर फॉर्मेट नहीं करोगे तो नहीं चलता है, कई बार चल जाता है, माइक्रोन का यूएफएस हो तो इसको कंपलसरी फॉर्मेट एफएक्स करना ही पड़ता है। तो यहाँ से फ्रेंड्स हमारा फ़ोन कम्प्लीटली ऑन हो चुका है। तो आज के लिए बस इतना ही था, वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, हम ऐसी वीडियो आपके डेली लाते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।